हेलो नमस्कार सर, मैं फेयरटेल कंपनी की तरफ से जैब बात कर रहा हूँ। आपके सिम पे रिचार्ज खत्म हो गया है सर। अजय, इतनी बार तो डॉक्टर ने हमें नहीं बताया जब हमारा अब्बा आईसीयू में खत्म हो गया, जितनी बार तुमने रिचार्ज को बता दिया। अरे 15 दिन हो गए यार तुम्हारे सिम पे रिचार्ज खत्म हो गए। तन्ना के हमसे बात ना करना, तुम्हारे हमारे बीच में कोई सौदा हुआ है कि हम 15 दिन में रिचार्ज कराएंगे? अरे नहीं सर, हमारा काम आपको बताने का, इस चीज के हमको पैसे मिलते हैं सर। अरे तो ऐसे बोलो ना, इज्जत बेच के खा रहे हो तुम। तुम जरा जबान संभाल के तो बात करना मुझसे। अगर तुम सिम पे रिचार्ज नहीं कराओगे तो सिम बंद हो जाएगी तुम्हारी। तो हम दूसरी ले लेंगे, 80 रुपए में मिल रही है बाहर। अरे तुम दूसरी सिम क्यों ले रहे हो, इसी पर रिचार्ज कराओ ना। अजय अफीम की डेली सूंगली तूने, तू तो ऐसे कर रहा है जैसे हमने दूसरी सिम ले ली तो गोली मरवा देगा तू हमको। अरे सर आप मेरी बात सुनिए। क्यों, ब्याह करके लाए हम तुमको? अरे चुम्मी नहीं मांग रहे हो मैं तुम्हारी, मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि तुम अपनी पर्सनल सिम बंद क्यों करना चाहते हो? क्योंकि इस सिम पे सारी चाइनीज ऐपों से लोन ले रखा है हमने। अरे आदमी शैतान से कम्पीट कर रहा, बताओ। हेलो। हेलो नमस्कार सर, मेरी बात साहिल जी से हो रही है? हाँ साहिल सेठ बोल रहे हैं। सेठ, एक लीगल नोटिस में तेरे हफ्तों दस्त नहीं रुकेंगे। अरे पर हमें लीगल नोटिस क्यों भेजोगे? मैं लोन डिपार्टमेंट की तरफ से जैब बात कर रहा हूँ। तूने 1,38,000 रुपए का आईफोन मोबाइल लिया, इसकी किस्त कौन जमा करेगा? अरे 38,000 रुपए दे दिए, बाकी के तुमको दे देंगे, कहे तो दिया। अरे ना फुप्पू से लिया, तूने फोन के दे दूंगा। अरे जब तेरे पास जुगाड़ी 38,000 रुपए का था तो कचौड़ा का झेलम्मा मोबाइल लेता, एप्पल का लिया क्यों तूने? अरे वो हमको कटा हुआ एप्पल बहुत पसंद है। एप्पल पसंद न्यूटन के खानदान का, तू या तेरे सर पर सेब गिरा? आए मत कर, अगर कल किस्त जमा नहीं हुई तो तेरा फोन लॉक हो जाएगा। अब साहिल एक भी किस्त जमा नहीं करेगा, जो तुमको करना है कर लो। साहिल हाँ, एक बात बताओ, तुम्हारे फोन में फोटो कैसी आती है? अरे फिल्टर लगा के तो गाल कतई गोरे आते हैं। अगर कल किस्त जमा नहीं हुई तो तेरी एक फोटो मैं खींचूंगा जिसमें गाल कतई लाल आएंगे तेरे बगैर फिल्टर के। तेरी तो साले ये भी रिकवर नहीं हुआ तुमसे। आए देख, आज या तो नौकरी नहीं या फिर रचाक नहीं। हेलो हेलो, मेरी बात रजाक जी से हो रही? हाँ। अरे तुम ना हमारी कंपनी का लोन लिया, वापस नहीं दे रहे हो। भाड़ू ऐड का बात कर रहा है तू ना, बहुत गिरवी रखकर दिए मुझे। सर देखिए, अगर आप हमारी कंपनी का पैसा वापस देंगे तो हमारी कंपनी आगे बढ़ेगी। तुम हो पागल, तुम 6 लाख रुपए मुझे और दियो, कंपनी इधर को लाभो, पीछे को इधर को रास्ता बढ़िया। अरे समझने की कोशिश करो सर, तुम्हारे लिए ऑफर है, आप 6 लाख रुपए में 3 लाख रुपए जमा करके पूरा लोन माफ करा सकते। अच्छा सोचो मत, 2 साल में 50% ऑफ मिल गया है। एक काम करो, 2 साल और रुक जाओ, क्या पता ये 50% भी ऑफ हो जाए। अरे अगर देने की नियत नहीं है ना तो सीधा सीधा बोल दो। सीधा सीधा लियो, अब जो कह रहा है वो कर रहा है तो भी चेतु काट रहा है। अरे मैंने अपनी पूरी जिंदगी में तुम्हारे जैसा दरिंदा आदमी नहीं देखा। दरिंदा? कल अब्बा रिक्शे से गिरे, उनका पैर टूट गया। ये तो रिक्शे वाले ने गलत करा। हुआ तो ठीक थे बेचारे, वो तो हमने दंड लेने के चक्कर में घर ला के तोड़ दिया। जब से नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करी है सपने भी हवाई जहाज के आ रहे हैं, दो लोग तो जोड़ लें। हेलो हेलो दीपांशु, तू भाई तुम्हारी आंखें फट जाएंगी जब अगले महीने मेरा चेक आएगा। तेरा चेक आएगा क्या भाई, बहू बेच दी तूने अपनी? अजय नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर ली तुम्हारे भाई ने, तुम मेरे नीचे जुड़ जाओ। अजय वाह, तेरे पिछवाड़े पर चिमक लगी क्या? मेरा मतलब है तुम मेरी कंपनी ज्वाइन कर लो। तेरी कंपनी घर की फ्रंट दीवार तो तुमने रोडों की ईंटें उखेड़ के बनाई है। आए अब देखना, तुम रुक जाओ थोड़ा सा, महल ही बनवाऊंगा। मनकित सर ने कहा मेरे भी लेबल खुलेंगे। कहीं ये मनकित मेरा पड़ोसी तो नहीं है? हाँ भाई। मारे गए बेटा, इसने मेरे 2743 किस्तों में दिए। तुझसे कितने रुपए लिए हैं इसने? 8,000 रुपए। पहले तो ये पता कि तेरे पास 8,000 आए कहाँ से? पैसा बहुत है दीपांशु भाई। हाँ पैसा तो बहुत है तुम्हारे पास, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन न लेने के चक्कर में मुँह से हवा भर भर कर तुमने अपना अब्बा मान लिया। हेलो नमस्कार सर, मैं फेयरटेल कंपनी। तुम्हारी सिम पे रिचार्ज ना कराओ तो पूरी कंपनी ऐसे करती है, रिचार्ज कराओ जैसे बौरानी कुतिया हो। हैं देखिए आप शब्दों का उपयोग ना करें सर, आपकी ये कॉल क्वालिटी पर्पस के लिए रिकॉर्ड की जा रही है। अरे तू रिकॉर्डिंग फिकॉर्डिंग को छोड़, तू आकर हमारी फिल्म बना ले, डर है काम तो? डरा कौन रहा है तुमको यार, तुमको कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है ये बताओ। अरे हमको टट्टी आ रही है, जरा रमेश तुम बात तो करना इनसे। लाओ चाचा। हाँ कट्टू मर का हाल है? जी जा नहीं है हम तुम्हारे रमेश, दिक्कत जो आ रही वो बताओ हमें, कहा इंटरनेट में कोई दिक्कत आ रही? अरे साला इतनी तो पृथ्वी सूरज के चारों तरफ नहीं घूम रही जितना यूट्यूब पर चक्का घूम रहा है। अरे तो 2 मिनट के लिए अगर इंटरनेट रुक गया तो तुम कहाँ देख रहे हो, तक कहाँ देख रहे हो नेट पे जी बताओ। अरे हमारे दादा के किडनी में पथरी है, वो देख रहे हैं यूट्यूब पे कैसे निकलेगी। किडनी में पथरी की दवा तुम यूट्यूब पे देख रहे हो, फिर अस्पताल का होगा? हमको का पता का होगा, ना कोठा बनवा दे इसमें, रंडी है नचा दे इसमें, ये तो बढ़िया काम हो जाए। हेलो नमस्कार सर, मैं अम्मा जान कंपनी की तरफ से जैब बात कर रहा हूँ, क्या मदद कर सकता हूँ आपकी?
अरे कच्छा लेना है यार एक तुम्हारी कंपनी से। अरे तुम हमको फोन क्यों कर रहे हो, जाके खरीद लो ना। अरे कट्टूमर चाचा को नॉलेज नहीं है, जरा बता दो इनको कौन सा ले। देखिए सर आप एक काम करिए, आप एक रूपा का कच्छा ले लीजिए सर। अरे रूपा का पहनेगी फिर? का चाचा रूपा कच्छे बेच रही? अरे सर रूपा एक ब्रांड है। अरे झूठ बोल रहा है चाचा, रूपा हमारी सेटिंग है। अरे तेरी बहन का बवंडर। सर ये जो कंपनी ब्रांड बनाती है उसका जो नाम है वो रूपा है। नहीं चाचा, रूपा दिनेश की लौंडिया है और रमेश की सेटिंग है और रमेश हम है। अरे रमेश क्या बात कर रहा है? अरे रमेशा ये तुम्हारी रूपा नहीं है। अरे कट्टूमर रूपा सिर्फ हमारी है, रूपा के लिए हम सारी दुनिया से लड़ जाएंगे, नाम बदनाम ना करो। हमको ये नौकरी छोड़ना है भाई। अरे हमको तो बता दो क्या करें। तुम एक काम करो, पहले ये रमेश का गला दबा दो। ना चाचा। एक साल में 2400 लौंडे बाहर कंट्री में भेज दिए मैंने, तुम टेंशन मत लो, एक नंबर का काम है। हाँ बताओ। शरजीत बहुत जल्दी ऑस्ट्रेलिया भेज दो। अरे बिल्कुल भेज देंगे, क्यों नहीं भेज देंगे, 22 लाख रुपए लगेंगे। अजय हमारी बहू तो फ्री में पहुंच गई। कैसे? वहीं से वीजा आया था। वीजा? 22 साल का लौंडा घर से भगा के ले गया। अरे तो ये काम कर मेरा भाई, तू भी किसी के साथ भगता चला जा। कोशिश बहुत करी, कोई ले जाए नहीं रहा, तीन जने तो चुम्मी लेकर मुकर गए। अरे क्या आदमी मेरा भाई, चुम्मी लेकर क्यों मुकर गए? क्या पता खट्टी लगी होगी। खट्टी तू अचार का बना। अच्छा ये बता पैसे कितने हैं तेरे पास? 30 का तेल 70 रुपए है। इतने रुपए में तो बेटे चुम्मी तो छोड़, तू नंगा भी हो जाएगा तो अभी नहीं भेजाऊंगा। हम दो जने हैं, दोनों नंगे हो जाए तो नहीं हो रहा। कोठा चला रहा हूँ मैं। हेलो सर, मैं जैब बात कर रहा हूँ आपका अपना मैरिज ब्यूरो से। सर जी अब तुम ही मेरी बारात करा सकते हो। अरे सर मैं कौन होता हूँ, जोड़े ना ऊपर वाला बनाता है। ऊपर वाले ने जो बनाया था सर जी उससे तो तलाक भी हो गई। अच्छा पर क्यों? 7 बच्चे थे मगर मुझसे शकल एक की भी नहीं मिल रही थी। सर आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, तुम्हारा रिश्ता मैं कराऊंगा मगर रुपए 12 लाख लगेंगे। 12 लाख रुपए? क्या बात है, रिमोट से चलेगी? अच्छी लड़की चाहिए तो कम से कम रुपए 12 लाख तो खर्चने पड़ेंगे ना। अच्छी का मैं क्या ही करूंगा सर जी, तुम एक काम करो 6-6 लाख की दो कर दो। भाड़ू लोहे से बन नहीं है ये, क्या मेले की दुकान पकड़ा हुआ तू? अच्छा यार 12 लाख वाली की क्वालिटी तो बताओ। हाँ उसकी जुल्फ होंगी जैसे मोर के पंख। अखा आंखें बिल्कुल हिरनी जैसी होंगी। अजी वाह। और आवाज होगी कोयल जैसी। बच्चा इंसान का ये या फिर चिड़िया घर में से घेरी तुमने? अरे यार अजय एक भी क्वालिटी इंसानों वाली नहीं है, ये तो मूर्ति भी 17 कलर का होगी तेरी साले। क्या गलत कह दिए? हेलो सर मैं फेयरटेल कंपनी की तरफ से जय बात कर रहा हूँ। अगर तुमने कहा रिचार्ज करा लो तो जिंदी सिम निकाल कर चप जाऊंगा। अरे तो 1.5 महीना हो गया, तुम अपनी सिम पे रिचार्ज करा क्यों नहीं रहे हो? नहीं एक एक दिन गिनने आप, भाड़ू तेरी बहू की सिम है ये। देखिए सर आप अब शब्दों का उपयोग बिल्कुल ना करें, ये कॉल ना क्वालिटी पर्पस के लिए रिकॉर्ड हो रही है। हाँ तो जब पूरी रिकॉर्ड हो जाए तो इसकी CD छपवा दिए CD। अरे जब आप अपनी सिम पे रिचार्ज नहीं कराएंगे तो उस सिम का क्या फायदा, क्यों फोन में डाल रखी तुमने? नेटवर्क के डंडे देख के मजा आ रहा है। तू जब पैदा हुआ था नर्स के हाथ से छूट गया था। अरे नेटवर्क के डंडे देख के किसको मजा आता है? अजय हमको किसी से बात नहीं करनी है तो हम रिचार्ज क्यों कराएंगे? क्यों नहीं करनी बात? ना तू मेरी फुप्पो है तुझे बताऊंगा। और हमें जब अपने भैया से बात करनी होती है तो वो उधर से फोन लगा लेती है। अरे उधर से भी फोन नहीं आएगा क्योंकि तुम्हारी सिम पे इनकमिंग बंद हो गई है। उसका लगेगा नहीं, और तू दिन में 36 बार फोन कर रहा है, तू जादूगर है। अरे दत्ता हम कंपनी की तरफ से बात करते हैं, हमारा कंपनी का नंबर है इसलिए लग जाता है। अजय तो हमारा भैया कोई छोले बेच रहा है, वो भी कंपनी में ही काम करता है। अच्छा कौन से नेटवर्क की कंपनी में सर? नेटवर्क का तो पता नहीं लेकिन कंपनी का नाम रॉकेट है, साबुन बनाती है। हेलो सर मेरी बात रज्जाक जी से हो रही है? अगर लोन का पैसा लेने के लिए फोन लगाया है तो हम बहुत जलील करेंगे, फोन काट दो। अरे तुमने हमारी कंपनी से 6 लाख रुपया लिया तो हम तुमको फोन नहीं करेंगे तो कौन करेगा? देखो हम तुमको पैसा देंगे नहीं, तुम बेवजह जोर लगा के अपनी टट्टी और निकाल लोगे। अरे जब तुमने लोन लिया है तो वापस क्यों नहीं दोगे? अरे 6 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है, पहली बात तो हमारे पास है नहीं, और अगर होती हम तुमको तब ना ले। अरे तो इसका मतलब ये है कि जो हमने तुमको 6 लाख रुपया दिया वो हराम का था? अरे नहीं हमने तुम्हारा पैसा हराम खा लिया। अरे कैसा आदमी है, मतलब कोई तो प्लान होगा, सेटलमेंट करोगे तो कितना पैसा दे सकते हो ये बताओ? अरे सेटलमेंट मजबूर आदमी करता है, हमने जिद रखी हुई है कि हम तुमको पैसा नहीं देंगे। अरे क्यों नहीं देना है, मतलब तुम सबके साथ ये ऐसे करते हो का? अरे नहीं हमने एक बार अपने दोस्त से 50,000 रुपया उधार लिया था, फिर उसने हमसे एक दिन मांगा तो तुमने दे दिया उसको 50,000 रुपया? नहीं यार हमने 7,000 रुपए दे के डॉक्टर को उसकी याददाश्त मिटवा दी। अरे तुमको जिंदगी में माफ नहीं करेगा वो। अजय रहने दो, उससे फिर से दोस्ती करके हमने कल 13,000 और ले लिए। अरे ऐसे लोगों के घरों में शैतान कोने में बैठ कर रोता है कि ऊपर वाले तूने हमसे खतरनाक आइटम बना दिया।